अभी है इवनिंग का 7:30 PM और ये है अभी हमारे बाहर का हालत। आज इवनिंग में भी थोड़ा सा रेन हुआ है तो इंटायर रोड इज वेट। और ऐसे मौसम में हमेशा ही मन करता है कि कुछ भजिया या पकौड़े इस टाइप कुछ खाया जाए, बट मन ही मन थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि जनरली दीज आर क्वाइट हाई कैलोरी फूड। बट वही है कि हम लोग कुछ थोड़ा बहुत ट्रिक्स निकालने पड़ते हैं कि इनको इन्जॉय भी कर सके बट ज़्यादा कैलोरीज भी इनटेक ना हो। तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ प्याज के पकौड़े या फिर भजिया, बट मैं इनको डीप फ्राई नहीं करूँगी, आज करूँगी शैलो फ्राई और वो भी नॉन स्टिक कढ़ाई में। तो जनरली मैंने देखा है कि अगर आप रिसर्च भी करो तो हमारे इंडियन फूड और स्नैक्स भले ही थोड़े बहुत रिच इन कैलोरीज होते हैं बट इवन देन दे हैव मच मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू। अगर आप यहाँ पे देखो तो प्याज का ही बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, एज़ वेल एज़ बेसन का जो बैटर बनता है वो भी। तो मैं एनी डे आई ऑलवेज प्रेफर हैविंग इंडियन फूड या इंडियन स्नैक्स रादर देन गॉर्जिंग ऑन द वेस्टर्न फूड्स, क्योंकि उनका अगर हम थोड़ा सा रिसर्च करें तो आप देखोगे कि उतने हेल्दी नहीं होते हैं। तो एनी वेज तो मैं अभी वही मैंने पहले बैटर को बना लिया था और अब मैं इनमें अनियन चॉप्ड को डिप करके फ्राई कर लूँगी। प्याज के भजिए के साथ आज बन रहा है कॉफ़ी, और ये हाइंस का जो कॉफ़ी है ये भी काफ़ी टेस्टी लगता है हम लोग को, तो इसलिए अभी हम लोग इवनिंग में लेंगे भजिया विद सम कॉफ़ी। Thank you.
हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी वॉक करके आई हूँ और इट्स ऑलमोस्ट 9:30 राइट नाउ इन द नाइट। और बाहर फिर से हिल स्टेशन टाइप मौसम है। नाउ इट्स टाइम फॉर डिनर। तो मैं एक नया चीज़ कोशिश कर रही हूँ कि राइट नाउ नाउ डेज मैं एक महीने से ट्राई कर रही हूँ कि नाइट में ऑल्सो आई टेक रोटी इंस्टेड ऑफ राइस। मैं वैसे भी राइस या रोटी बहुत ही कम लेती हूँ, बट इवन देन आई हैव स्टार्टेड स्किपिंग राइस इन द नाइट एटलीस्ट। तो देखते हैं उससे कुछ फ़ायदा मिलता है कि नहीं। तो मैं ऐसे कुछ हाई फाई या कुछ ऐसे कुछ एक्सक्लूसिव डाइट आई डू नॉट फॉलो वेन एवर इफ़ आई इंटेंड टू लूज वेट या फिर इवन इफ आई वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ फिट। तो आई नेवर गो इन फॉर एनी फैंसी डाइट या सम एक्सक्लूसिव डाइट। आई ऑलवेज स्टिक ऑन टू द बेसिक इंडियन डाइट या फिर जो हमारे बंगाली डाइट होते हैं, विच आई एम वेरी यूज टू, विच आई गेस इट्स मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा कि जो आप अकस्टम्ड हो जिस तरह के खाना खाने में, वही अगर आप थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ कॉशियसली खाएं, मतलब कार्ब्स थोड़ा कम बट फिर भी कार्ब्स लेना बहुत ही ज़रूरी है, इस टाइप के कुछ अगर चेंजेस कर सके तो आई हैव सीन रिजल्ट। मैंने एक ज़माने में बहुत ये सब किया हुआ था, बट अल्टीमेटली आप लॉन्ग रन में इसको नहीं कर पाते हैं कंटिन्यू इफ़ यू आर नॉट यूज टू दिस टाइप ऑफ फूड। तो मैंने देखा कि हम लोग जिस तरह के खाने के आदि हैं उसी में अगर कुछ चेंजेस लाए तो इट वर्क्स वंडर। एंड मेन पॉइंट इज यू कैन कंटिन्यू इट इफ इन योर फॉर योर एंटायर लाइफ। तो वो ये भी कर रही हूँ, गोभी का सब्जी बनाया है, वेरी सिंपल। जो भजिया में से तेल बचा था, भजिया बनाते वक्त भी मैंने उसे 2 टेबल स्पून अप्रॉक्सीमेटली तेल लिया होगा, और क्योंकि मैं नॉनस्टिक में बनाया था तो वो भी तेल बच गया था, तो मैं उसी तेल में मैंने सब्जी बना लिया है। नाउ इट्स टाइम टू डोल आउट सम चपाती एंड देन वील हैव डिनर, एंड मिलते हैं फिर डिनर के बाद। तब तक मैं रोटी बना लूँ फटाफट से। डिनर करने के बाद ही मैंने डिशवॉशर को लोड कर दिया जिससे कि मैं सुबह सबसे पहले इसको चला सकूं। तो इस तरह से सिंक भी क्लीन हो जाता है और किचन भी काफ़ी टाइडी अप भी हो जाता है। सोने से पहले मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो लिविंग रूम है वो क्लीन रहे, क्योंकि सुबह अगर आप उठो और एकदम चारों तरफ ऐसे सामान फैला हुआ हो और इफ़ द रूम इज़ अनकेप्ट तो मूड थोड़ा सा मेरा बुरा ही हो जाता है सुबह सुबह। तो आई ऑलवेज़ ट्राई टू क्लीन द लिविंग रूम एंड देन ओनली गो टू बेड। और आज ग्रोफर्स से ग्रॉसरी भी आ गया है, बट मैं उसको अभी तक रख नहीं पाई हूँ, तो फ़िलहाल तो मैं इनको सबको डाइनिंग टेबल में इकट्ठा कर रही हूँ। कल नेक्स्ट डे ही मैं इसको सारे उनके उनके रिस्पेक्टिव जार्स में रख दूँगी।
बेड बनाते वक्त मैंने नोटिस किया था कि थोड़ा सा जो मेरा बेडरूम है उसमें डस्टिंग की ज़रूरत है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। जब भी मुझे कुछ गंदा दिखता है मैं उसी वक्त तुरंत क्लीन कर लेती हूँ, चाहे वो एनी टाइम ऑफ द डे क्यों ना हो। तो इससे मेरा वो काम निपट भी जाता है और कुछ पेंडिंग भी नहीं होता है। तो इसलिए अभी मैं बेड बनाने से पहले अपना जो बेडरूम के जो कुछ फर्नीचर उनको फटाफट क्लीन कर ले रही हूँ। बिग थैंक यू टू ऑल माई व्यूअर्स जिन्होंने हम लोग को विश किया है, ऑल्सो मेकिंग अस फील दैट वी आर बींग लव्ड विद सो मेनी पीपल। सो थैंक्स अ लॉट फॉर यू ऑल। एंड सोमेन को भी कुछ बोलना था आप लोगों से। थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड ऑल द विशेस, इट मीन्स अ लॉट टू अस। वी आर सफरिंग ईच अदर फॉर द लास्ट 18 ईयर्स नाउ, सो होप दैट इट विल बी फॉर मेनी मोर ईयर्स टू कम। And thanks again, once again, for all the blessings and countless numbers of messages that we have received over the last couple of days. God bless you all. And I would like to say कि मेरे life का सबसे best two decisions मैं आप लोगों से share करूँगी। एक का शायद थोड़ा आप लोगों को idea है, but पहले first वाला बोल दूँ। First है to marry him, and the second one is starting YouTube. तो ये दो चीज़ बहुत ही मेरे लाइफ के लिए एक गेम चेंजर या फिर एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स था। एंड आई एम थरली एंजॉयिंग दिस फेज ऑफ लाइफ एंड होपफुली ये काफ़ी दिन तक चले, काफ़ी सालों तक चले, चलता ही रहे, कभी ख़त्म ही ना हो। तो आप लोग भी रहिए मेरे साथ। तो मिलती हूँ मैं फिर आपके साथ एक और नए वीडियो या व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, सी या, लव यू ऑल।